मध्य प्रदेश के छठा वेतनमान प्राप्त कर रहे सभी शासकीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, महंगाई भत्ते डीए में 9% की वृद्धि कर दी गई है। पहले महंगाई भत्ता डीए 212% मिलता था, जो कि अब 9% बढ़ाकर 221 रुपये हो गया है। चलिए आदेश भी हो गया, मैं आदेश भी पढ़कर आपको बताता हूँ। पंचायत सचिव को कितना एरियर मिलेगा आगे वीडियो में देखेंगे। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल, दिनांक 3 अगस्त को यह आदेश हुआ है। प्रति शासन के समस्त विभाग अध्यक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर, समस्त विभाग अध्यक्ष, समस्त जिला अध्यक्ष मध्य प्रदेश विषय छठवें वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों को देय महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि। मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F2/2023 नियम 4 दिनांक 13 फरवरी 2023 द्वारा राज्य शासन के छठे वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे शासकीय सेवकों को 1 जनवरी 2023 से 212% की दर से महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। अभी तक 212% की दर से डीए मिल रहा था। राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि उपयुक्त दरों में वृद्धि करते हुए निम्नानुसार तिथि व दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा। अवधि जब से देय छठे वेतनमान अंतर्गत दिनांक 1 जनवरी 2023 से ये मिलेगा। वर्तमान में प्रचलित महंगाई भत्ते की दर का प्रतिशत 212%, महंगाई भत्ते की वृद्धि का प्रतिशत 9%, वृद्धि उपरांत महंगाई भत्ते की कुल दर 221% हो गया है। उपरोक्त वृद्धि के उपरांत महंगाई भत्ते की दर 1 जनवरी 2023 से कुल 221% हो जाएगी। राज्य शासन के सभी शासकीय सेवकों को उपरोक्तानुसार महंगाई भत्ते में वृद्धि का लाभ दिनांक 1 जनवरी 2023 भुगतान माह अगस्त 2023 से किया जाएगा। देखिए दोस्तों, 1 जुलाई 2023 से लागू हो जाएगा, भुगतान माह अगस्त 2023 में ये मिलेगा। दिनांक 1 जनवरी 2023 से 30 जून 2023 तक की एरियर राशि का भुगतान 3 समान किस्तों में माह अक्टूबर, नवंबर एवं दिसंबर 2023 में किया जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो एरियर की राशि है 3 किस्तों में मिलेगी। राज्य शासन के कर्मचारी जो दिनांक 1 जनवरी 2023 से 30 जून 2023 की अवधि में सेवानिवृत्त, रिटायर या अमृत हो गए हैं, उन्हें नामांकित सदस्य को एरियर की राशि का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा। महंगाई भत्ते में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा। महंगाई भत्ते का कोई भी भाग किसी भी प्रयोजन हेतु वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि आदेशों में अंतर्गत देय महंगाई भत्ते के भुगतान पर किया गया व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक न हो। देखिए दोस्तों, यह आदेश हो गया है मध्य प्रदेश राज्यपाल के नाम से तथा आदेश अनुसार पीके श्रीवास्तव उप सचिव मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग भोपाल, दिनांक 3 अगस्त 2023। चलिए दोस्तों, देखते हैं पंचायत सचिवों को कितना एरियर मिलेगा। पंचायत सचिव सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पंचायत सचिवों को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में संविलियन तो नहीं किया गया, परंतु 7वां वेतनमान का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू करने हेतु कहा गया है, जो कि जल्द ही आदेश होंगे। देखिए दोस्तों, पंचायत सचिव महंगाई भत्ता डीए में 9% की वृद्धि। मूल वेतन है 11,100 रुपये, जिसमें डीए 212%, 23,532 रुपये, कुल 34,632 रुपये, जिसमें से एनपीएस 10%, नेशनल पेंशन स्कीम के माइनस होंगे। सकल वेतन 31,169 रुपये, फिक्स टीए, यात्रा भत्ता 250, देय वेतन 31,419 रुपये। अब इसमें देखिए दोस्तों, डीए 9% की वृद्धि से एरियर अब 221% हो गया है, जो 999 रुपये, जो जनवरी में 999, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून 1,999 रुपये के हिसाब से मिलेंगे 6 महीने का एरियर। और अब देखिए जुलाई, जिसमें 3% का इंक्रीमेंट लगा है। मूल वेतन है 11,440, डीए 212%, 25,282 रुपये, कुल 36,722, एनपीएस 10% माइनस होगा 3672 रुपये, सकल वेतन 33,050 रुपये, फिक्स टीए, यात्रा भत्ता 250 रुपये प्लस, कुल देय वेतन राशि 33,300, जिसमें एरियर मिलेगा जुलाई का 1,029 रुपये जुलाई में। देखिए दोस्तों, 7 महीने का टोटल एरियर 7,223 रुपये हो रहा है, जो कि 3 किस्तों में अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में मिलेगा। मेरे चैनल आदर्श पंचायत को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों।